हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार सावत आप सबको मेरे चैनल चक्षु दर्शन में स्वागत करता हूं। आज एक सुंदर और पवित्र दिन है, दिन सोमवार। आज हम निकले हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर जुड़े रहिए। आज एक नया जगह होगा, नया मंदिर होगा, नया दर्शन होगा, बहुत सुंदर दर्शन होगा। आज मेरे साथ बने रहिए और चलिए मिल करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम पहुंच गए हैं श्री 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 गौरी शंकर महादेव मंदिर छत्रपुर। बहुत सुंदर और पवित्र मंदिर है, मेरे साथ बने रहिए। आज भगवान जी को दर्शन करके जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापन किया गया है ऊपरी हिस्सा में। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान है, यहाँ पर भगवान केदारनाथ विराजमान है, यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान विराजमान है, यहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन है, यहाँ पर महाकालेश्वर भगवान विराजमान है, यहाँ पर भगवान नागेश्वर विराजमान है, यहाँ पर भीमा शंकर भगवान विराजमान है, यहाँ पर भगवान विष्णेश्वर विराजमान है, यहाँ पर भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान है, यहाँ पर भगवान रामेश्वर विराजमान है, यहाँ पर भगवान घुष्णेश्वर विराजमान है, और ये अंतिम में यहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर विराजमान है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापन किया हुआ है, आपने देखे होंगे। बहुत सुंदर और पवित्र मंदिर है। यहाँ पर मंडप भी है, श्री श्री गौरी शंकर कल्याण मंडप है ये। ये कल्याण मंडप है। बहुत सुंदर मंदिर है। दर्शन करिए, कितने सुंदर और दिव्य दर्शन है। हर हर महादेव। यहाँ पर भगवान नवग्रह विराजमान है। अभी हमारा भोग प्रसाद दर्शन हो गया है। ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान है। भगवान जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान कार्तिक सर महाराज विराजमान है। भगवान जी को नमन करते हुए यहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान है। अभी यहाँ पर परिक्रमा मार्ग हमारा समाप्त हो रहा है। यहाँ पर भी एक रास्ता है जो कि आप बाहर जा सकते हो और बाहर से भी आ सकते हो। दो रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर सरोवर है, बहुत सुंदर सरोवर है।
मनमुग्ध करने वाला आज का ये दृश्य था। आज के दर्शन परिक्रमा सब हो गया है। आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है, अच्छे लगा तो कमेंट्स करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मौका मिले अपनी संपूर्ण परिवार को लेकर के एक बार भगवान भोलेनाथ को जरूर दर्शन करने के लिए आइए। ये गौरी शंकर महादेव मंदिर है छत्रपुर, बहुत सुंदर और पवित्र मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।